दोपहिया चलाते हैं तो आज ही से हेलमेट पहनना चालू करें, सीट बेल्ट लगाना चालू करें। सबके मतलब सुविधा के लिए और सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। आप भी आज ही से 21 दिन का चैलेंज स्वीकार करिए, कार चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं। ये चैलेंज हमारी सुरक्षा के लिए, हम सुरक्षित होंगे, हमारे परिवार के लोगों में खुशी रहेगी। जब भी आप फोर व्हीलर में जा रहे हैं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, जब भी टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं हेलमेट जरूर लगाएं। शहर में इन दिनों पुलिस ने एक बड़ा चैलेंज दिया है शहरवासियों को, 21 दिन का चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आप लगातार हेलमेट लगाइए और अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधिए। और ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर रहे हैं लोग और काफी अच्छे से लोग अपनी सेल्फी भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो कैंपेन है वो रोड में आप कहीं भी नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस सुबह 5 बजे से गार्डन से लेकर के पेट्रोल पंप, सड़क, चौक, चौराहे, हर जगह इस चैलेंज को लोगों को दे रही है और लोग बड़े प्यार से उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। क्या ये पूरा चैलेंज क्यों शुरू करना पड़ा, ये चैलेंज सतीश सर जानते हैं। सर ये क्या है 21 दिन का चैलेंज और क्यों शुरू करना पड़ा? ये फॉलो गुड हैबिट्स 21 डेज चैलेंज एक हमने कैंपेन चालू किया है। यदि कोई भी व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक कोई काम करता है तो उसके हैबिट में शुमार हो जाता है। तो हम लोगों ने लोगों को ये चैलेंज दिया है कि यदि आप दोपहिया चलाते हैं तो आज ही से हेलमेट पहनना चालू करें, सीट बेल्ट लगाना चालू करें, तो निश्चित रूप से वो आपके हैबिट में आ जाएगा। और जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो हेलमेट जरूर पहनेंगे, सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे, तो लोग इसमें हमारे चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और उसको जो दोपहिया चलाते हैं वो हेलमेट पहनना प्रारंभ कर दिए हैं। वो अपने फोटोग्राफ्स भी हमको भेज रहे हैं और ये चैलेंज के माध्यम से हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस चैलेंज के स्वीकार करने से लोग सुरक्षित भी रहेंगे, उनका परिवार सुरक्षित रहेगा और एक हैबिट में शुमार हो जाएगा। फॉलो गुड हैबिट्स जो एक अच्छी आदत है वो उसमें शुमार होगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छा ट्रैफिक भी दिखने मिलेगा और जो हमारा उद्देश्य है कि एक्सीडेंट को कम करना, लोग मोटिवेट हो, जागरूक हो, उसमें भी हम लोग सफल हो पाएंगे। आप पुलिस अधिकारियों ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, किस किस तरीके से? एसपी साहब खुद भी बुलेट चलाते हैं, आप लोग भी कई बार कार ड्राइव करते हैं, आप लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? निश्चित रूप से शुरुआत हमने अपने स्टाफ से और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यदि गाड़ी चलाते हैं तो वो स्वयं हेलमेट पहनते हैं और जो पुलिस का पेट्रोल पंप है उसमें भी जो बिना हेलमेट के आते हैं उसको पेट्रोल देना और जो बिना सीट बेल्ट के आते हैं उनको डीजल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो लोग एक मोटिवेट भी हो रहे हैं और जो हमारे स्टाफ है उसमें 100% हम लोगों ने पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को 100% हेलमेट पहनने के लिए कंपलसरी किया है और जो नहीं पहनते हैं तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। तो एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है और सेफ्टी के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है और एक समाज में सुरक्षित रखने के लिए और अपने सेफ्टी के लिए एक कैंपेन है और जिसका सहयोग और समर्थन काफी लोग द्वारा हमको मिल रहा है। बिल्कुल, काफी सहयोग भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे युवा है, यहाँ पर फॉलो गुड हैबिट 21 डे चैलेंज है और ये चैलेंज है। तो आप लोग क्या हेलमेट लगाते हैं? जी हेलमेट लगाते हैं मैम और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का भी वो करते हैं। तो ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है पुलिस? जी जी जी। आप लोग किस तरीके से गुड हैबिट में ले रहे हैं, हेलमेट को क्या करते हैं? बहुत अच्छी बात है और सबके मतलब सुविधा के लिए और सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए बिल्कुल 21 दिन के अंदर में यहाँ पे ज्यादातर हेलमेट वाले ज्यादा दिखेंगे। जी ऐसे उम्मीद कर रहे हैं आप? हाँ जी उम्मीद कर रहे हैं। आप कितने को जागरूक करेंगे इस चैलेंज के? कम से कम नहीं भी तो 100-200 लोग को तो जागरूक हम लोग कर चुके हैं और जारी है, देखते हैं और हो जाएगा। बाकी प्रशासन बिल्कुल, पुलिस प्रशासन अपना काम करती है, लगातार समझाती भी है, चालान भी काटती है, हर चीज करती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरते हैं। तो अब ये जो तरीका है, एक नया तरीका लाया गया है, दुर्ग जिले में एसपी जितेंद्र शुक्ला ने 21 दिन का चैलेंज किया है और 21 दिन के बाद वो सम्मानित भी होंगे जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लगातार रोज सीट बेल्ट या हेलमेट लगाकर अपनी फोटो भी पुलिस को भेज रहे हैं। तो आप भी अगर दुर्ग जिले में नहीं भी रहते हैं तो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। क्योंकि घर पर जब आप बाहर वाहन चलाते हैं तो घर पर आपका पूरा परिवार इंतजार कर रहा होता है। आप भी आज ही से 21 दिन का चैलेंज स्वीकार करिए। यदि आप 21 दिन तक कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं, यदि आप हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में शुमार हो जाता है, वो आपकी आदत बन जाता है। तो आज ही से आप 21 दिन का चैलेंज स्वीकार करिए और यातायात नियमों का पालन करिए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, आप सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मैंने ये 21 दिनों का चैलेंज स्वीकार किया है। जब भी बाइक चलाई जाए हेलमेट का इस्तेमाल करें, जब भी कार चलाए सीट बेल्ट लगाए। ये चैलेंज हमारी सुरक्षा के लिए, हम सुरक्षित होंगे, हमारे परिवार के लोगों में खुशी रहेगी, हम सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन करेंगे। 21 दिन तक अच्छी आदत की चैलेंज को मैंने स्वीकारा है, आप सभी भी स्वीकारिए।
दो पहिया चालक हेलमेट लगाइए, चार पहिया वाले चालक सीट बेल्ट लगाइए, अपना जीवन और सामने वाले का जीवन भी सुरक्षित बनाइए। 21 दिन के चैलेंज हमें अच्छा आदत लपन जिंदगी में शुमार करे बर आप मन भी अपन ट्रैफिक रूल में 21 दिन के चैलेंज ला स्वीकार करा और अच्छा आदत लपन जीवन में स्वीकार करा, अपन जीवन ला सुरक्षित बनावा। ट्रैफिक का 21 दिन का चैलेंज आप भी लीजिए, जब भी आप फोर व्हीलर में जा रहे हैं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, जब भी टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं हेलमेट जरूर लगाएं। मैं तो पालन करूंगा, आप भी करें, सुरक्षित रहें। रहने के लिए मैंने चैलेंज लिया है 21 दिनों तक हेलमेट पहनने का, साथ ही सीट बेल्ट लगाने का। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई।